अस्सलाम वालेकुम। यह लेट्स टॉक, आज हम बात करने जा रहे हैं उमैमा तनवीर खान से। उमैमा तनवीर खान लाहौर से हैं और काफ़ी सारे फोटोग्राफी में अवार्ड जीत चुकी हैं, काफ़ी एग्जीबिशंस की हैं इंटरनेशनली और नेशनली। तो आज हम बात करते हैं उमैमा तनवीर खान से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही एज अ मैथमेटिशियन टू फोटोग्राफर, के एज अ मोबाइल फोटोग्राफर टू प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अच्छा, मैंने 2014 में ज्वाइन किया था P3, फेसबुक का एक ग्रुप है प्रोफेशनल फोटोग्राफर, पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और मैंने ज्वाइन किया था उसको एज एन एडमायरर, मतलब एक अपनी अपने थिंकिंग को डाइवर्ट करने के लिए। और मैं वहाँ पे एज अ एडमायरर ही रहती थी वहाँ पे और लोगों की तस्वीरें देखा करती थी। देन मैंने वहाँ से, मेरे पास कोई DSLR था नहीं बेसिकली, एक फ़ोन होता था iPhone 5, और मैंने उससे तस्वीरें लेना शुरू की। और इनिशियली मुझे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी मेरी इसके अंदर, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कंपोजिशन क्या होती हैं। ऐसा ऐसा जी वहाँ से पढ़ के मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि अच्छा, हम किस तरह कंपोज करते हैं पिक्चर्स, फ्रेम क्या होता है और किस तरह फोटोग्राफी करते हैं। एंड देन एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी, उसके अंदर सबमिशन आया कि जी आप इसमें सबमिट करवाएं। और मैंने अपनी कुछ दो तीन पिक्चर्स थी जो कि मैंने मोबाइल फोटोग्राफी की हुई थी, वो मैंने सबमिट वहाँ पे करवाई। और आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ माई सबमिशन आई गॉट अ मेल कि योर पिक्चर्स आर गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशन। डेट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, मतलब मुझे ये एक वो हुआ कि अच्छा, मैं भी मतलब तस्वीरें ले सकती हूँ या मैं भी मतलब इसको आगे करूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी मैथमेटिक्स की, और जैसे कि लोग सारे लोग समझते थे मैथ्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, खैर वैसे मुझे नहीं लगा कभी बोरिंग सब्जेक्ट। और उसके बाद जी वो मेरी इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी पाकिस्तान, मलेशिया एंड यूरोप, तीन मुल्कों के दरम्यान में थी, तीनों जगह पर वो डिस्प्ले हुई मेरी पिक्चर। उसके बाद देयर इज़ अदर पिक्चर, उसको इन नेशनल लेवल पे मैंने सबमिशन करवाई थी एंड गोल्ड मेडल मिला उसको। वो एक चीज़ थी जिसके बाद मैंने अपने अम्मी अबू को कहा कि मुझे इसको परस्यू करना है, मतलब मुझे इसमें स्टडी करनी है। एंड देन आई गॉट एडमिटेड इन NCA, लकीली भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा वहाँ पर एडमिशन होगा एक साइंस स्टूडेंट हो के। आप एक दफ़ा आर्ट में चले जाओ तो बस, उसके बाद तभी मैंने पहला 2016 वॉज द ईयर जब मैंने अपना पहला DSLR कैमरा लिया, और उसके बाद बस ये जर्नी शुरू हुई फोटोग्राफी की, तस्वीरें लेते जाना और उसको मतलब आगे कंटिन्यू अभी तक रखा हुआ। ये कैसी अजीब बात है ना, मैं पुराने फोटोग्राफर्स की कुछ वीडियोस और चीज़ें देख रहा था, वो ज़्यादातर जो है वो फोटोग्राफी की तरफ इसलिए आए कि उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला या फिर जो है वो साइंस की किसी और फील्ड में एडमिशन नहीं मिला, और आप एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो अच्छी खासी साइंस या मैथमेटिक्स की तरफ जाती जाती आप आर्ट की तरफ आ गए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैथमेटिक्स जो है, मुझसे सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे आए हो और आपने कैसे इतनी जल्दी सब कुछ अचीव किया, तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ को, मुझे आर्ट को समझने में बीच में। ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज जहाँ तक आप करते हो, मुझे आर्ट इंस्टीट्यूशन में जाके भी ये लगा, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि मुझे बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, बिकॉज मैं ज़्यादा जल्दी पिक कर लेती हूँ कि अच्छा, आई नो हाउ द कैमरा फंक्शन एक्चुअली। तो मुझे उसको पिक्चर को फ्रेम करना, देखें अब जो बेसिक रूल्स हैं, हम कंपोजिशन के रूल्स जिसे कहते हैं, वो सेम रूल्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मतलब रूल ऑफ थर्ड हो गया जी, आपके पास गोल्डन रेशियो हो गया, हम सारी जिंदगी यही पढ़ते रहते हैं। और जब आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। बट बस यही जर्नी है कि साइंस से आर्ट, मेरा ख्याल है कि ये दोनों इंटरलिंक करते हैं, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि अच्छा, मुझे हमेशा लगा है कि साइंस पढ़ने के बाद आर्ट पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि आपको शुरू से आर्ट पढ़नी चाहिए। अपना अपना नजरिया है, मेरा ये नजरिया है एक, आई डोंट नो कि बाकी लोग इसे एग्री करते हैं या नहीं करते। नहीं, मैं भी काफ़ी एग्री करता हूँ इसलिए कि मैं जो है वो अकाउंट्स की फील्ड में गया, मैं साइंस वगैरह सब छोड़ के, कि नहीं यार समझ में नहीं आती, और फिर फोटोग्राफी की तरफ आया,
और फिर जो है वो सर के डांटने पे फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी दोबारा, और मैथ्स तो थी अच्छी, मगर ये कि फिजिक्स एक दफा जो है वो साइंस जो है वो दोबारा देखने को मिली कि यार किस तरह काम करना है और किस तरह काम किया जाता है। आपको बेहतर समझ आई होगी वो फिजिक्स की भी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली आपको पास एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज मिल गई जिसके ऊपर आप उसको वो फिजिक्स के सारे लॉ उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं देखने के लिए। तो आप मोबाइल से कैमरे का सफर कैसा रहा, मोबाइल में क्या परेशानियां रही और कैमरा जिस वक्त उठाया तो क्या फर्क दिखा मोबाइल टू कैमरा? अच्छा, अब मोबाइल पे ना मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मैं अपना ग्रिड ऑन कर लेती थी मोबाइल कैमरा का और पिक्चर कंपोज कर लेती थी, लोअर पीओवी पे रख के भी, मतलब जिस पीओवी पे मुझे चाहिए होता था मैं पिक्चर रख लेती। जब मैंने पहली दफ़ा अपना कैमरा पहले दिन जब मैं लेकर आई, खरीदा मैंने, तो मुझे मैं अच्छा खासा डर गई थी उसको देख के। मैंने कहा कि नहीं ये तो बहुत कोई बड़ी सी चीज़ है, इसलिए तो मुझसे हैंडल भी नहीं होनी, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, ये मुझे लगता है कि मैंने अपने पैसे ज़ाया कर दिए, मेरे लिए फ़ोन ही सही है, मतलब फ़ोन एक मतलब बहुत आसान सा मीडियम है, बस जाओ और जाके क्लिक कर लो एज कम्पेयर टू कैमरा। तो मैंने पहले दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पहले दिन जो है वो अपना कैमरा ओपन नहीं किया था, उसका बॉक्स लाके कमरे में एक साइड पे रख दिया था, और कोई रात जो है मुझे यही ना नींद आई और ना ये हुआ कि अच्छा उसको खोल के देखा जाए करने का। और उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की, मुझे मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी तुम्हारी मशीन है, तुमने इसको खुद से देखना है और तुमने इसके ऊपर जो है वो अपना होल्ड करना है, तुम ही समझोगे इसको, तुम्हें और कोई नहीं समझाएगा। तो उसके बाद मैंने उसका मेन्यू निकाला और बैठ कर उसकी जो बुक थी वो पढ़ना शुरू की, पढ़ा देखा, उसके बाद अपने घर के ही गार्डन में बाहर गई और कुछ तस्वीरें ली फूलों की और शहद की मक्खी जो होती है उसकी, और आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरा बिल्कुल सही फोकस है। मैंने मैनुअल फोकस पे किया था, मैं ऑटो फोकस तो मैंने ऑटो मोड तो कभी यूज़ ही नहीं किया, ना ऑटो फोकस यूज़ किया है ना ऑटो मोड यूज़ किया है कैमरे का, मैनुअली जो है वो सेलेक्ट किया, और मुझे बहुत खुशी थी कि जी मेरी फोकस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जो है वो जाके मैंने तस्वीरें जो है ना वो ली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑब्वियसली एडमिशन हुआ, वहाँ पे भी सर वगैरह भी थे, उन लोगों ने भी बताया, उनसे भी जितना आप क्वेश्चन पूछते हो उतना आप सीखते हो, इसी तरह जो है आगे सीखा है इसको। जब मेरे पास एक और सवाल था, मेरे हिसाब से काफ़ी हमारा कवर हो गया कि कैसे आपने सीखा, तो हम उससे आगे चलते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है फोटोग्राफी, क्या चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं या कौन से फोटोग्राफर्स ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? अच्छा, मुझे ना, मैं बिल्कुल यहाँ पे लोगों की तरह नहीं कहूँगी कि मुझे फ्लाम फोटोग्राफर ने इंस्पायर किया या फ्लाम फोटोग्राफर ने इंस्पायर किया, मुझे किसी फोटोग्राफर ने इंस्पायर नहीं किया, मुझे सिर्फ नेचर ने इंस्पायर किया। मुझे बचपन से एक लोगों को जैसे लड़कियों को शौक होता है ना ज्वेलरी का देखने का, कपड़े देखने का, मुझे वो शौक ज़रूर था शादियों पे जाके जी आप देखो, बट मेरा हमेशा से एक चीज़ होती थी, मैं अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर रही होती थी तो मैं सामने नहीं देखती होती थी स्क्रीन के, इर्द गिर्द देखती थी कि क्या हो रहा है, और मैं हमेशा वहाँ पे मतलब एक होता था ना कि आपने ऑब्जर्व करना है, वो ऑब्जर्व करती होती चीज़ों को देखते हुए, चाहे नेचर हो चाहे वो कुछ एक आपको सड़क पर जाती हुई कुछ चीज़ नज़र आ रही हो, मेरी अट्रैक्शन हमेशा उन्हीं तरफ ही रही है कि अच्छा ये कैसे हुआ, इसको अगर मैं कैप्चर कर सकूँ तो कैसे कर सकूँ, और ये बचपन की बात है, फोटोग्राफी की जर्नी तो बहुत देर बाद जो है वो स्टार्ट हुई है मेरी। तो नेचर जो है, लाइट, मुझे हमेशा लाइट ने, नेचर में भी लाइट ने हमेशा इंस्पायर किया है, लाइट कैसे प्ले करती है, लाइट एंड शेडो, क्योंकि हम देखें, हम मैं जैसे कि डिफाइन करती हूँ लाइट को, लाइट जो है इज़ अदर नेम ऑफ होप, ठीक है, लाइट एंड शेडो के बगैर आपकी ज़िंदगी भी नहीं है, अगर आप उसमें हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों इकट्ठी हैं, अगर आप सैडनेस को शेडोज में लेके चले जाते हो तो आपके लिए आप एज अ शेडोज आप उसको करोगे, और जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपकी लाइट है, आपको एक उम्मीद नज़र आ रही होती है उसको, और वो चीज़ जो है उसके चीज़ में पीछे मैं भागती हूँ, जो के जो लाइट है और उसके पीछे पता नहीं मैं उसको हमेशा चेज करती हूँ। और इसके ऊपर एक बड़ी फनी सी चीज़ है जो कि मुझे कभी नहीं लगा कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे नाम का मतलब, मेरे नाम का, मेरा नाम है उमैमा तनवीर और मेरे नाम का मतलब है रोशनी की सरबराह, तो ही सेड टू मी कि तुम्हें लाइट इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि तुम्हारे नाम का मतलब ही यही है, लीडर ऑफ लाइट, और तुम्हें इसलिए वो होता है कि तुम उसकी तरफ चलती। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं कभी लगा कि मैं इसलिए लगी हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे एक जुनून सा सवार होता है उस लाइट को का पीछा करने में, और वो मैं पीछा करती चली जाती हूँ उसको जब भी मैं नेचर में जाकर उसको।
ऑब्जर्व करती हूँ और उसको खींचती हूँ, उसकी पिक्चर्स देती हूँ। तो अब थोड़ा सा अगर आपके पास पॉसिबल हो तो हम थोड़ा सा काम देखेंगे और उसके साथ साथ सवालात चलते रहेंगे हमारे। उसके साथ साथ एक सवाल जो है वो कि आप थोड़ा सा तो बात हुई हमारी, आप और नेचर को डिफाइन करेंगे, आप देखती कैसे हैं, हाउ टू सी नेचर? अच्छा, नेचर जो है ना वो मुझे हमेशा ये लगा है कि नेचर जो है वो बहुत खूबसूरत है और हम जो है उसके लिहाज उसके अंदर एक बहुत छोटी सी चूंटी जितनी हैसियत रखते हैं उस नेचर के अंदर। और नेचर जो है ना वो अपने जलवे दिखाती रहती है, हम देखें या ना देखें। मगर ये एक तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये है कि नेचर जो है वो कुछ भी नहीं है अपने एडमायरर के बगैर। उसका एडमायर करने वाला कोई नहीं है तो नेचर कुछ नहीं है, और हम उसके एडमायर करने वाले हैं नेचर को। हम उसको देखते हैं, हम उसको एडमायर करते हैं, और ये हम दोनों नेचर का और हम लोगों का आपस में कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के बगैर नहीं है कुछ भी अगर देखा जाए तो। हम ये कहते हैं ना, हम बहुत ज्यादा ये सुनते हैं कि जी नेचर जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो अपनी खूबसूरती दिखाती रहती है चाहे हम देखें या ना देखें। मगर आप एक ये चीज देखें कि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो खूबसूरती दिखाने का फायदा, ये बात है ना। तो हमारा इंटरलिंक है हम लोगों का आपस में। जैसे कि आप जैसे कि ये पिक्चर है जो आपके सामने आई है, इसकी पिक्चर का कैप्शन मैंने दिया ही यही था, आर स्टोरी बिटवीन द व्यू व्यूअर एंड द एडमायर। ठीक है, इस पिक्चर में जो है वो एक व्यू है और जो बंदा खड़ा है वो उसका व्यूअर है, और मैं इस बंदे के पीछे खड़ी हूँ जो कि एडमायर कर रही है नेचर को। यहाँ पे कहानी मुकम्मल हो जाती है, हाउ आई लुक एट द नेचर, मतलब मुझे कैसे दिखती है। वो बंदा है वो उस व्यू को कैप्चर कर रहा है, नेचर अपना जलवे दिखा रही है, और एक पीछे मैं खड़ी हुई हूँ जो कि एडमायर कर रही है कि वाह कितनी जबरदस्त जो है वो एक फिनोमेना है जो हमें मुझे देखने को मिल रहा है, मेरी आंखों को देखने को मिल रहा है। दिस इज How I define nature in relation to human. अच्छा, आपकी तस्वीरों में, आपकी ज़्यादातर लैंडस्केप्स में मुझे बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन एलिमेंट दिखता है और वो उस नेचर के हिसाब से जो हमें वाकई जो हमारी हैसियत है उसी हिसाब से तस्वीर में भी उसी साइज का दिखता है। बिल्कुल तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिनिमलिज्म या ये बहुत सारी वे में मैंने देखा है, मगर लैंडस्केप में इस तरह मिनिमलिज्म बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपके पास मिनिमलिज्म की क्या तारीफ है? अच्छा। मिनिमलिज्म, देखें मिनिमलिज्म में ना मुझे इंटरेस्ट भी सबसे पहले तब हुआ था जब मैंने ट्रेवल किया नॉर्थ वाली साइड पे। जब मैं वहां पे गई और वहां पे मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे और उन पहाड़ों के सामने अपना आप देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ह्यूज है और हम बहुत छोटी सी एक उसमें चलती फिरती चीज है, कि अगर ये शायद ये जो पहाड़ है अगर ये चलना शुरू हो जाए तो उनको पता भी ना चले और वो हमें कुदरते हुए चले जाएं। ठीक है ना, तो ये मुझे बहुत सब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट किया था कि मैं मिनिमलिज्म में जो है ना वो कुछ करूं, मैं दिखाऊं लोगों को कि हम इस दुनिया का एक बिल्कुल चूंटी जितना हिस्सा है, और ये दुनिया और ये नेचर उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है। हम सिर्फ अपना एक छोटा सा पार्ट उसके अंदर प्ले कर रहे हैं, और इसी तरह हजारों जो हैं वो लोग हैं जिनको जिनको मिला के हम इस दुनिया में घूम फिर रहे हैं। तो यही एक मेरा था मिनिमलिज्म में जाने का भी और उसको लोगों को शो करने का भी, ताकि लोगों को पता चले कि हम उतने फन्ने खान नहीं है जितने हम बनते रहते हैं, और हम बड़ी छोटी सी चीज हैं और हमें उसी चीज पे ही रहना चाहिए जितनी हम छोटी चीज हैं। हमें अपने आप को इतना ऊपर बड़ा नहीं करना चाहिए जितने बड़े हम हैं ही नहीं। नेचर या दुनिया हमसे बहुत बड़ी है और हम सब मिलके ही उसका जो है वो एक जो है वो उसके अंदर काम करें। हम अकेले कुछ नहीं है उसके अंदर, हम अकेले उनमें से बिल्कुल तो छोटी सी हमारे पास उसकी हैसियत रह जाती है हमारी अपनी। सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है मिनिमलिज्म के हवाले से भी और नेचर के हवाले से भी। अच्छा, इसके अलावा मैं शहर में भी जो है वो आप मेरे लिए मिनिमलिज्म हमेशा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट रहा है, तो आप शहर में भी ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? मैं काफी सारी देखिए, शहर वाली तस्वीरें भी फिर उठा के देखी, चले नेचर के मामले में तो मुझे जो है ना वो बहुत हद तक समझ में आता है कि
आप बड़े पहाड़ के आगे दिखा सकते। जैसे मेरे सामने ये तस्वीर है, मैं इसको देख ही नहीं सकता इस वे में जिस वे में आप मुझे दिखा रही हैं। देखिए, आप इसको देखने के लिए आप वही मुझसे अक्सर हर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाहौर जो है वो जिस तरह आप दिखाते हैं इस तरह हमें कैसे दिखता है, और मेरा उनसे आगे से इसका आंसर सिर्फ यही होता है, लाहौर को देखना है तो सुबह की रोशनी में देखो, सुबह सुबह उठ के, जब कोई बंदा ना कोई बंदे की रात वहां पे होता है, सिर्फ एक लाहौर होता है, उसकी गलियां होती हैं और नेचर उसमें अपना जो है वो एक रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में जो आप पीछे आपको दिख रही है पिक्चर, इसके अंदर यही है, इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग क्लिक। जब मैं यहाँ पे गई थी तो मुझे अच्छा डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, सर्दियों की पिक्चर है ये, मैं यहाँ पे कुछ 6:20 पे पहुंची हुई थी दिल्ली गेट के अंदर, ना कोई बंदा था ना कोई बंदे की जात थी, मेरी अपनी असाइनमेंट थी, मैं उस असाइनमेंट को करने के लिए आई थी, अर्ली मॉर्निंग के वो असाइनमेंट थी, और मैं शुरू से एक ऐसी वाली स्टूडेंट रही हूँ जिसको बहुत ज्यादा ये रहा है कि बस जो असाइनमेंट है वो बहुत अपनी ड्यू डेट पे ही देनी है, उसके अलावा आगे पीछे नहीं देनी। तो मैं यहाँ पे निकली थी कि मुझे कुछ झाड़ू वाले मिलेंगे, मैं उनको पिक्चर लूंगी लाइट के अंदर, उनका लाइट एंड शेडो का जो प्ले होता है। बट जब मैं वहाँ पे गई इस पिक्चर के बाद, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी, क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं कि दिल्ली गेट में आपको जो लाइट मिलती है, या आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी है उसकी, हमेशा जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो आपके राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे कभी भी ये लाइट नहीं होती। आई वॉज स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट दैट गेट ऑफ दिल्ली गेट, ठीक है, एंड सनराइजेस, ये 6:35 या 6:40 पे सनराइज हुआ था। दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट रे ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग फ्रॉम दिल्ली गेट, ठीक है, और इसके विद इन 5 मिनट्स ये लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। ऑब्वियसली सूरज ऊपर गया और लाइट जो है उसने अपनी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकना शुरू कर दी। ये बच्चा अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि अगर आपने शहर को डिफाइन को देखना है या उसके मुतालिक पूछना है कि सुबह सुबह कैसे लगता है, तो मेरा ख्याल है ये जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, झाड़ू देने वाले, आपके जो है इसको सफाइयाँ करने वाले आपके शहर की, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो वही बंदे हैं जो सबसे पहले उठे हुए होते हैं शहर में। और इसमें जिस पिक्चर में भी जो ये जो बच्चा है, ये एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा है जो वहां से कूड़ा उठा रहा था, और उठाते उठाते वो इधर दरमियान में आके जो है वो खड़ा हो गया। इट्स अ वेरी कैंडिड शॉट, इट्स नॉट अ स्टेज फोटोग्राफी। तो मैं वहां पे ऑब्वियसली देख रही, बल्कि एडमायर कर रही थी, मुझे तो थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए मैं भूल ही गई कि अच्छा मैंने तस्वीर लेनी थी, मैं तस्वीर लेने के लिए आई थी, मैं इतनी उस लम्हे में जो है ना वो खो गई थी कि मुझे ये भूल गया कि मैंने तस्वीर लेनी थी। और फिर जब ये आया बच्चा तो ऑब्वियसली मैंने तब क्लिक किया और ये एक कंपोजिशन जो है वो आपके सामने आ गई। आपको सुबह शहर की गलियां बिल्कुल ऐसी ही नजर आएंगी, उस वक्त सिर्फ आपको आपकी हिस्ट्री नजर आएगी, और हिस्ट्री के ऊपर आप नेचर उसके ऊपर कैसे अपनी लाइट फेंकती है, आपको सिर्फ वही नजर आएगा, और उसको कितना इनहेंस कर देती है, आपको कितना उस चीज में गुम कर देती है, आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा शहर में। मैंने लास्ट ईयर जो है वो दिल्ली गेट विजिट किया था, और वो टाइमिंग थी आई थिंक 5:30 से लेके कोई 9:30 तक जो है वो मैं उसी एरिया में जो है वो विजिट कर रहा था। मैं वैसे कराची से आया हुआ था मगर एक ही दिन मुझे मिला था सुबह सुबह, तो मेरे लिए भी बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है, और उस जगह पे जाके ऐसा लगता है कि वक्त जो है वो एकदम से मुझे जो है काफी अरसे पीछे लेके आ गया, वो गलियां, वो जो सारा एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत ही जो है नॉस्टैल्जिक फीलिंग में जो है ना वो लेके चले जाता है, बिल्कुल लेके चला जाता है, और आपको एक हिस्ट्री। मेरी जो है मदर वो तो मेरे साथ जाती नहीं है, वो ये कहती है कि तुम जब इन गलियों में चली जाती हो तो तुम्हें इनसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, और ये वाकई में सच है, क्योंकि मुझे मेरा दिल करता है कि मैं इन गलियों में घूमती रहूं और इस हिस्ट्री को, इस पास्ट टाइम को देखती रहूं, ये कहानियां सुना रहे हैं अपने जितने लोग इसमें रहे हैं, जितने लोग यहाँ से रह के चले गए, ये उनकी सब कहानियां जानते हैं, और ये वो अपनी कहानियां पुकार पुकार के बता रहे हैं कि कोई हमसे सुनने वाला भी तो हो वो कहानियां। तो ये एक फीलिंग आती है जब आप अंदरून लाहौर को करते हो जी। Yeah.
नेचर से आपने क्या सीखा एज अ फोटोग्राफर? यानी कि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ लोगों से सीख रहे होते हैं, कुछ नेचर से सीख रहे होते हैं। तो मैं लाइट के बारे में भी आपसे कुछ सवाल थे कि आप जिस तरह की लाइट जो है बहुत सारे लोग उधर ही मौजूद होते हैं बहुत सारी जगहों पर, मगर एक शख्स को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से लाइट दिख रही होती है, तो आपके पास क्या फार्मूला है गोल्डन लाइट को देखने का, और गोल्डन लाइट के बारे में आपके पास क्या डेफिनेशन है? अच्छा, गोल्डन लाइट का देखने का कोई स्पेसिफिकल फार्मूला तो नहीं है, ठीक है। मेरे साथ आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितने भी मैंने आज तक ट्रेवल किया है और जितने भी लोगों के साथ मैंने ट्रेवल किया है, मैंने कभी तस्वीर उस वक्त नहीं ली जब मुझे लगे कि कोई लाइट का प्ले ही नहीं है, लाइट एंड शेडो का प्ले ही आपके सामने नजर नहीं आ रहा होता, तो मैं नहीं लेती उसके अंदर पिक्चर। मुझे लगता है कि लाइट जो है वो आपके नेचर में बहुत ड्रामा क्रिएट करती है, वो आपको डिफ्रेंशिएट करना बताती है बिटवीन द शेडो एंड द लाइट प्ले, बिटवीन द सैडनेस एंड बिटवीन द हैप्पीनेस, अगर आप उसको अपनी जिंदगी के लिहाज से भी देखें तो। अब यही है, जैसे आपके पीछे तस्वीर है, ये शंदूर, अच्छा ये शंदूर की पिक्चर है, और शंदूर मैंने कवर किया था केपी की गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी टूरिज्म डिपार्टमेंट तरफ से उन्होंने मुझे हायर किया था। तो शंदूर जाने से पहले बहुत से लोगों ने, बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है चित्राल में, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा शंदूर में सिवाय एक पोलो फेस्टिवल के। तो मैं तब, अच्छा मुझे तब हुआ भी कि मैं क्या कहूँ, मैं उनको कहूँ कि मैं नहीं आ रही, मैं नहीं कवर करती, आप किसी और को रख लें, या मैं इसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ। फिर मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और मेरे जाने से पहले भी ये था कि अच्छा मैं आऊँगी शंदूर कवर करके, फिर मुझे बताना कि शंदूर में कुछ था या नहीं था। तो जब मैं वहाँ पर गई, मुझे लगता है कि मुझे शंदूर से ज़्यादा कोई अच्छी खूबसूरत जगह लगी नहीं अभी तक, आप अगर मुझे सच पूछें तो। 3 दिन थे मेरे पास, 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं आपको एक नेचर को ऑब्जर्व करने के, उसके डिफरेंट फिनोमेनास को देखने के। और जब मैंने शंदूर में पहली दफ़ा कदम रखा था, जैसे हमारी वैन वहाँ पे जाके रुकी, तो उसके कोई 15 मिनट के बाद वो गोल्डन आवर शुरू हो रहा था, 4:30 बजे का टाइम, और वो मुझे दूर से नज़र आता था पहाड़ों के ऊपर वो लाइट गिरती हुई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रफ चप्पल पहनी हुई थी, मेरे जूते जो हैं वो मेरे जो जॉगर्स थे वो मेरे बैग में थे। सबसे पहला काम मैंने गाड़ी से उतरते साथ ये किया था, अपने ड्राइवर को, ये जो हमारा ड्राइवर था उसको कहा मेरा बैग उतार दो, मुझे अपने जूते जो हैं वो उतारने लेने और मैंने पहनने, मुझे जाना है। और मुझे ये पता है कि जब मैं वहाँ पर जा रही थी, भाग रही थी बिल्कुल क्रेजी, जैसे लोग नहीं होते उसके पीछे भाग रहे हैं, वो सामने लाइट नजर आ रही है, मुझे वहाँ पर जाके जो है ना देखना है, मुझे वहाँ पे जाके पिक्चर लेनी है, मुझे उस मोमेंट को कैप्चर करना है। तो जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले लोग थे वो पीछे से वादे लगा रहे थे कि कुछ नहीं खाया हुआ पिछले 12-13 घंटे से, खाना बंद रहे, खाना खा के जाना। और मैं कहा नहीं, खाना खा लिया तो ये लाइट चली जाएगी, ये चीज़ जो है ये कैप्चर नहीं होगी जो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, जिसको मैं अपने दोस्तों को कह कर आई हूँ कि देखना मैं जब कैप्चर करके लाऊंगी तब मुझे बताना कि शंदूर खूबसूरत है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि लाइट जो है वो आपको एक ऑर्डिनरी सी चीज को भी ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, जस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब अपनी प्रेजेंस है ना वो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज, एक ऑर्डिनरी चीज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए आप इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं कि आप एक दरख्त देखते हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप एक दरख्त देखते हैं, आप उसको बस ऐसे गुजर जाते हैं उसको देख के, भी आम सी चीज है, हमें अगले मोड़ पे भी नजर आ जाएगा, उससे अगले मोड़ पे भी नजर आ जाएगा, बहुत से दरख्त हमें नजर आ जाएंगे। आप उसी दरख्त को सुबह सनराइज में देखेंगे तो वो आपका दिल करेगा कि आप उस जगह से हटे ही ना, आप उसको देखते जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या खूबसूरत चीज है जो मैं देख रहा हूँ। आप उस चीज को लाइट उसके अंदर से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा ये चीज जो है ये तो ये जो फिनोमेना आपके सामने नजर आ रहा है, आप कहेंगे कि ये क्या, आप खुद ही एक सख्ता तारी हो जाता है आपके अंदर कि ये क्या चीज मैं देख रहा हूँ, ये वाकई में ऐसा होता है, ये वाकई में रियल लाइफ में है। तो वही दरख्त आपको मजबूर कर देगा अपने पास खड़े होने में, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस है, लाइट वो लाइट एंड शेडो का प्ले आपको दे रही है, वो जिंदगी और में खुशी और गमी की जो आपस में हम तफरीक करते हैं उसको हम आपस में डिवाइड जो अलग अलग करते हैं वो आपको समझा रही है कि ये इस तरह है जिंदगी, जिंदगी इस तरह चलती है, जिंदगी में आपके पास अंधेरा भी आता है और जिंदगी में फिर आप आगे चलते जाओ तो वो आपको जीने की उम्मीद भी देती है, आपके पास हैप्पीनेस भी आती है। यही मेरी तो यही फिलॉसफी है लाइट के पीछे भी और लाइट को कैप्चर करने के पीछे भी, उसके पीछे भागने की भी।
लाइट के साथ साथ हमारे लिए बहुत जरूरी होती है वो खास लम्हा जिसमें हम जो है उस तक पहुंचते हैं या उस तस्वीर तक पहुंचते हैं, तो आप कैसे उस लम्हे को चूज करती हैं? यानी कि मैं तो गोल्डन लाइट में तो खास तौर पर इतना शॉर्ट पीरियड देखता हूँ कि कभी कभार मेरे सोचने में भी वो जो है वो पीरियड खत्म हो जाता है जिस वक्त, या फिर शायद मैं उसमें इतना देखने में इतना बिजी हो जाता हूँ कि शायद कैप्चर करने का टाइम, तो आप कैसे जो है उसको उस मूवमेंट को कैसे सोचती हैं या और कैसे कैप्चर करती हैं? अच्छा देखिए, अगर आप मूवमेंट को डिफाइन करने को कहेंगे ना मुझे, तो मैं उसको एक चीज में डिफाइन करूंगी कि जो मूवमेंट वही होता है जिसको हम कैद कर लें, लम्हा वही होता है जिसको हम कैद कर लें, चाहे अपने जहन में कैद कर लें, चाहे अपनी आंखों में कैद कर लें, चाहे वो अपने कैमरे में कैद कर लें, उसके वो उसी चीज़ को हम लम्हा कहते हैं। इसके अलावा हम लम्हा हमारे पास कुछ नहीं है। और मैंने एक सेइंग पढ़ी थी, बल्कि एक पोएट है उसने कहा था कि देखो, वी डू नॉट रिमेंबर डेज, वी रिमेंबर मोमेंट्स। ठीक है, हम डेज को जो है उसको नहीं हमें याद रहते, हमें उनमें कुछ लम्हात होते हैं, चंद लम्हात होते हैं जो हमें याद रहते हैं। ठीक है, तो यही एक जो है, अब ये जो लाइट आपके पीछे नजर आ रही है, ये लाइट मुझे वहां पर नजर आ रही थी और मैं उसको देख के बहुत फैसिनेट हो रही थी। ठीक है, बट मुझे ये था कि अच्छा ये लाइट मेरे साथ जितने भी लोग वहां पे इस पार्क में मौजूद थे वो सब लाइट देख रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जिसको मैं, किस लम्हे को मैं कैद करना चाहती हूँ। ये एक कपल, यंग कपल वहां पे ये जो है वो वॉक कर रहा था, और इसको मैंने वॉक करते करते जो है इसको मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस लम्हे को कैप्चर करना है। ये लम्हा डिफाइन कर रहा है, इसका कैप्शन ये था, एज टाइम गोज बाय। ठीक है, दिस इज द फिलॉसफी ना, हम अपनी एक मैरिज लाइफ भी देखें या अपनी मैरिड लाइफ भी देखें, तो ये फिलॉसफी है कि हम साथ चलते हैं एक दूसरे के, हर तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। वो एक लम्हा था जिसको मैंने कैप्चर करना था, जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी अपने एक दूसरे के साथ चल रहे थे और लाइट का जो है वो अपना एक प्ले हो रहा था। तो देखिए, ये एक लम्हा है जो मुझे याद रहा, जो मेरी आंखों को भी याद रहा, जो मेरे जहन ने कहा कि मुझे कैप्चर करना चाहिए, जो मेरी आंखों को याद रहा, और मैंने अपने कैमरे में इसको कैप्चर कर लिया, हमेशा के लिए महफूज कर लिया उसको। सही, वही लम्हा हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या कि फोटोग्राफर के लिए तो बहुत ज्यादा वो है जो हम कैद कर लेते। अच्छा, कोई ऐसा, हाँ जी जी बताइए। जी, बिल्कुल, फोटोग्राफर के लिए वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है जिसको वो कैद कर लें। देखें, अगर आप लम्हे को डिफाइन करें तो एक जो एक फोटोग्राफर है वो बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो एक चीज को देख रहा होता है। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि आप एक शादी पे जा रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ लोगों को कहा कि आप तस्वीरें ले लें, वो तस्वीरें ले लेंगे, हम उसको स्नैपशॉट्स कहेंगे, हम उनको तस्वीरें नहीं कहेंगे, हम उनको स्नैपशॉट्स कहेंगे। इसके बरक्स आप एक फोटोग्राफर को कहें कि आपने इसको जो है इस लम्हे को कैप्चर करना, वो अपने जहन में बनाएगा एक फ्रेम जिसमें वो कुछ एलिमेंट्स पुट करेगा, उस एलिमेंट्स को वहां पे अपनी अपनी जगह पे रखेगा और फिर अपने तस्वीर अपने कैमरे से लेगा और उस लम्हे को महफूज करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, हम ये डिफरेंस है एक, आप कह लो कि एक फोटोग्राफर के नजर से, नजरिए से देखने का, फोटोग्राफर और पेंटर दोनों एक जैसे ही हैं। पेंटर जो है वो अपने एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ब्रशेस को इकट्ठा करेगा, देन में सीन सोचेगा, उसको पेंट करेगा। फोटोग्राफर अपने एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज नजर आ रही है, शायद आपको ओरिजिनली वो चीज वैसे नजर ना आए एक आम बंदे को। ठीक है, वो आपसे एक आम बंदा होके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी अच्छा ये लाइट थी वहां पे, हमें तो ये नजर नहीं आया बंदा यहाँ पे जाते हुए, हमने उस एलिमेंट को वहां पे पुट किया ना, हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि अच्छा इसमें से कोई, इसका कोई कनेक्शन होना चाहिए नेचर का, और जो एक लम्हा ऐसा होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दे, नेचर को और देखने वाले को, उसको पता चल रहा हो किसी पीछे सीन क्या हो रहा है, क्या हमारे पास स्टोरी चल रही है। लम्हा इसी चीज को कहते हैं, उसको महफूज करने को भी इसी चीज को कहते हैं, जो मोमेंट्स हमें याद रह जाए उस पूरे दिन में से, कुछ ऐसी वक्त जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाए, जो हमेशा के लिए हमारे पास कैद हो जाए, चाहे वो आंखों से कैद हो, चाहे वो कैमरे से कैद हो, चाहे वो जहन में कैद हो। जहन और आंखों से कैद की बात आई तो मेरे पास जो है वो एक और बात है कि हम बहुत सारे लम्हे बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ होता है कि हम
वो बहुत सारे लम्हे कैद ही नहीं कर पाते, और हमारी बहुत चाहत होती है कि उनको किसी न किसी तरह कैद हो जाए, वो कभी कभार जो है वो टेक्निकलिटी की वजह से नहीं हो पाते या किसी और वजह। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे लम्हे हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, कि वो जहन में और आंखों में बार बार घूमते हो, कि यार वो अगर अगली या तो अगली दफा हो जाएंगे या फिर हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल, एक लम्हा है ऐसा जो मेरे जहन में, कह लें कि जहन में कैद है, आंखों में कैद है, और मैं उसको हमेशा, ये मेरा दिल किया कि मैं उसको कैप्चर करूं। मैंने ट्रेवल किया था कराची इन 2018, तो मैं वहां से कराची से वापस आ रही थी। मतलब वो एक बहुत इमरजेंसी में मैंने कराची जो है वो ट्रेवल किया था। मेरी फूफो की डेथ हो गई थी, तो मैंने उनका जनाजा अटेंड करना था, तो मैं लाहौर से कराची गई। तो वापसी पे एक्चुअली न्यू ईयर था, तो मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली कराची से लाहौर की, और मुझे लाहौर वापस भी आना था। मतलब उसकी भी एक थी वजह कि मुझे बहुत जल्दी वापस आना था। मेरे अपने फादर की डेथ हुई हुई थी, उनकी डेथ को सिर्फ 2 मंथ्स हुए थे, तो मेरी मदर अकेली, मुझे वापस आना था। तो मैंने कहा, सोचा चलो जी डेवो से चलते हैं वापस। तो मैं डेवो से वापस आ रही थी, और मानछड़ झील के पास मैंने एक मंदिर देखा, डेवो की खिड़की में से ही देखा एक्चुअली। मानछड़ झील थी, 14th का मून था, सनसेट का टाइम था, सनसेट ह्यूज थे पिंक से कलर के, ऑब्वियसली जनवरी का जो है वो सनसेट था, तो वो पिंक और आपको पता है ब्लूइश कलर में ही होता है। उसके बिल्कुल ऊपर जो है ना वो चौधरी का चांद था, और नीचे जो है ना वो एक कश्ती में दो लोग जा रहे थे। वो एक ऐसा लम्हा था जो मैंने बचपन से सोचा, बचपन से कह लो कि एक फेरी टेल में आपको लगता है ना कि आपने एक, मेरे मुझे लगता था कि मैंने एक लेक को, अगर मैं कभी भी फोटोग्राफ करूंगी जिंदगी में, तो उसको मैं चौधरी के चांद में करूंगी। चौधरी का चांद या तो वो सनसेट के टाइम पे होगा जब सूरज निकल आता है चौधरी का, वो चांद निकल आता है चौधरी का आपके सनसेट के टाइम पे, या फिर वो बिल्कुल मून लिट जो टाइम होता है हमारे पास, बिल्कुल तब करूंगी। वो मंदिर मेरे सामने था जो मैं डेवो की खिड़की में से देख रही थी, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उसको कैप्चर कर सकती। अब वो मेरे मंदिर, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि मैंने वो मंदिर देखा था, और मेरी आंखों में जो है वो कैद है, बट वो मैं उसको अपने जो है ना वो कैमरे में कैद नहीं कर सकी। और मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है मानछड़ झील को भी या फिर रावल लेक, दोनों में से किसी एक को इस सिनेरियो में जो है वो कैप्चर करने में, जबकि चौधरी का चांद हो, सनसेट हो रहा हो और कश्ती में दो लोग जा रहे हो। लम्हे की कितनी बड़ी हैसियत है ना, यानी कि इतना तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 साल गुजर गया, आपको कितनी डिटेल में वो लम्हा याद रहता है, कितनी इम्पोर्टेंट है उस लम्हे की। बहुत सारे लम्हे आते हैं, पता नहीं कितने डाइवों में आपने कितनी चीजें देखी होंगी और गुजर गई होंगी, और अब तक कितनी चीजें देखी होंगी, और ये कितना कितने डिटेल में आपने आया कि मैं भी वो लम्हा देखने पर मजबूर हो गया, या मेरे लिए भी वो लम्हा जो है वो एक इम्पोर्टेंट हो गया कि यार मैंने भी वो लम्हा अब जब भी जो है ये मैं कैप्चर करी तो लाजमी जो है वो मैंने सबसे पहले देखना है। तो वाकई हमारे लिए लम्हों की बहुत अहमियत है, और हमें बहुत हद तक जो है वो लम्हे ये नेचर जो है वो मुख्तलिफ चीजों में मैसर कर रहे होते हैं, और बिल्कुल आपकी तस्वीरें देख के जो है वो बहुत हद तक हमें नेचर का भी अंदाजा होता है कि नेचर के सामने हमारी क्या वैल्यू है, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस का अंदाजा होता है कि एक लम्हे की क्या क्या कीमत है। तो मेरे लिए तो जो है वो लम्हा और मिनिमलिज्म जब एक साथ आता है तो जो है वो एक ही नाम जो है वो याद आता है। मैं जो है वो काफी सारी आपकी तस्वीरों को देखता हूँ, तो मुझे यही 2 चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा आपकी तस्वीरों में फैसिनेट कर रहे हैं। आप कुछ कह रही थी आप मुझसे। जी, मैं बिल्कुल अभी यही कह रही थी जब आप लम्हे के बारे में बात कर रहे थे, कि जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि उस पोइट ने कहा कि वी डू नॉट रिमेम्बर डेज, वी रिमेम्बर मोमेंट्स, और मोमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। हम तो बड़े लकी लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ इतना शायद इस चीज के लिए चूज किया है कि हम उन कुछ लम्हों को अपने कैमरे में जो है वो कर सकते हैं, कैद कर लेते हैं, या हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि हम उसको अपने कैमरे में कैद कर लें। वरना इतने ज्यादा लम्हे हैं जो आपके जहन में ही रह जाते हैं, आपके साथ ही चले जाते हैं, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, आप उनको लोगों तक बता ही नहीं सकते कि आपके जहन में या आपकी आंखों ने कुछ ऐसे लम्हात देखे थे जो आप पूरी जिंदगी नहीं भूल सके। तो
अच्छा, मेरे पास जो है वो लास्ट बात है, हम सिर्फ और सिर्फ जो आने वाले जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, जो आपको बहुत बहुत हद तक बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं या कुछ सीखते हैं, या फिर हम लोगों की बहुत सारे लोग हमारे हमारे लम्हों की वजह से भी हमारे लम्हों से जुड़ रहे होते हैं, या हमारी बातों से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे होते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहने जाएंगी, और फोटोग्राफी के हवाले से कोई उनको मैसेज और मोटिवेशन के भाई, एक तो जो आपने अपना सफर तय किया उस हवाले से कि आप एक नए लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? उससे ना मैं आप जो नए लोग हैं, जो न्यू कमर हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि बस निकलें। अगर आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं तो गैजेट जो है वो डजंट मैटर, जो आपके इक्विपमेंट है किस इक्विपमेंट से आप काम करें ये मैटर नहीं करता। आपके पास एक फोन है, आपके पास मेरे ख्याल में नोकिया का भी फोन है, उसका कैमरा भी है, तो आप उसको लेके अपनी तस्वीर जो है वो बनाए जाके निकलें। और जो अच्छा एक और भी मैंने ट्रेंड जो कि मैं हमेशा कहना चाहती थी जो हमारे यंगस्टर हैं उनके अंदर आजकल मैं बहुत ना ये ट्रेंड देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं तो अच्छा फोटोग्राफर है, इतने फॉलोअर्स हैं तो अच्छा फोटोग्राफर। फॉलोअर्स जो हैं या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके काम को डिफाइन नहीं करते, वो आपका काम आपको डिफाइन करता है। आप क्या आप कुछ अलग करो, आप निकलो, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको कैप्चर करो, आप कैप्चर करो, आप अपना नाम बनाओ। फॉलोअर से नाम नहीं बनता, नाम जो है वो हमेशा आपके काम से बनता है। आप किस तरह का काम प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके किस तरह अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हो बाकी लोगों से, डिस्टिंग्विश हो गए तो आपका एक नाम। मतलब देखें पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इतने ज्यादा फोटोग्राफर हैं, बहुत चंद ऐसे लोग हैं जिनका नाम सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका काम बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, वो एक बहुत मुख्तलिफ उस चीज को अपने चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनको फॉलो कर रहे हैं, कोई उनके काम को देख रहे हैं, कोई उनके काम को नहीं देख रहा। हम काम अपने लिए करते हैं, आर्ट जो है हमारे अपने लिए होती है, आर्ट कभी लोगों के लिए नहीं होती। आर्ट आपको डिफाइन करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, इस चीज को डिफाइन नहीं करती कि लोग उसको कैसे कैसे ले रहे हैं। क्योंकि देखें आर्ट पोएट है, एक शायरी करता है, एक शेर लिखता है, जिस नजरिए से वो शेर लिखता है वो डिफरेंट है, पढ़ने वाला उससे जिस तरह पढ़ता है वो अपने अपने माहौल अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उस शेर को अपने अंदर जज़ब करेगा। ठीक है, आर्ट भी एक ऐसी चीज़ है, हम अपने नज़रिए से फोटोग्राफी आर्ट को करेंगे, लोग देखने वाले अपने नज़रिए से देखेंगे, तो उनकी कभी फिक्र नहीं करनी। फिक्र करनी है कि आपने क्या अच्छा प्रोड्यूस करना है, आप किस तरह अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। मैं हर किसी को अपने कहती हूँ, मेरी एग्जाम्पल हर किसी के सामने है। मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी से शुरू किया था और नाउ देखें कहाँ से, मैं एक साइंस स्टूडेंट थी, आर्ट कॉलेज में चली गई उस मोबाइल फोटोग्राफी के पीछे। ठीक है कि जी मैंने बड़ा अच्छा पेन किया, अपने पेरेंट से बात की, मैं वहाँ पर चलती गई, मैंने उस लाइन को छोड़ा नहीं, मैंने लोगों की भी परवाह नहीं की कि अच्छा लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, कुछ लोग आपको एडमायर करते हैं, कुछ आपको तनकीद करते हैं, तनकीद करने वालों की तनकीद सुनते होते हैं, सुनो, अगर लगे कि वो आपके ऊपर सही है उसके ऊपर अमल करो और आगे चले जाओ, रुको नहीं, अपनी मंजिल तक जाते जाओ। मंजिल पे तभी पहुंचोगे जब आप चलते जाओगे, रुकोगे नहीं। बस ये एक छोटा सा मैसेज है जो कि मैं नए फोटोग्राफर्स को भी दूंगी कि बस चलते जाना है, घबराना नहीं है, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे आप। ये आप अपने अपने हवाले से घबराना नहीं है बात करनी है या गवर्नमेंट के हवाले से घबराना नहीं? दोनों के हवाले से बात करनी है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत कुछ सीखने को मिला लम्हों के बारे में, और जिस तरह आपने डिफाइन किया और वो जो पोइट के बारे में आपने जिक्र किया, तो एक नया नजरिया और नए अंदाज में देखने को मिला हमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। बहुत शुक्रिया।